उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी कैबिनेट मंत्रियों को उनके विभाग बांट दिए हैं। विभागों के बंटवारे में नाराजगी को दूर करना भी साफ तौर पर झलकता है। खासतौर पर नए स्वास्थ्य मंत्री के रूप में अब प्रदेश डॉक्टर धन सिंह रावत का कामकाज भी देखेगा। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि मुख्यमंत्री ने अपनी कुर्सी को बचाने के लिए दूसरों की कुर्सी को भारी कर दिया। नाराज मंत्रियों का कोप भवन जाना सफल रहा। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि महज 5 से 6 महीने के समय में नया मंत्रिमंडल क्या करेगा, जब पिछले 4 साल से प्रदेश में कुछ नहीं हुआ। अब 5 महीने में पीछे क्या पछताए जब चिड़िया चुग गई खेत। दूसरी लहर में जब आपको इंतजाम करना था, जब आपको तमाम पूरे देश के अंदर त्राहिमाम मच रहा था, लोगों की मौत हो रही थी, उत्तराखंड के अंदर ही 50,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई, 7,500 तो ऑन रिकॉर्ड है जिनका RT-PCR पॉजिटिव आया। उसके अलावा तमाम ऐसे लोग हैं जो अस्पताल नहीं जा पाए, ऑक्सीजन के बिना मर गए, ICU के बिना मर गए, बेड के बिना मर गए। उस समय आपको हम कह रहे थे कि आप एक स्वास्थ्य मंत्री दे दीजिए, न त्रिवेंद्र ने माना, न तीरथ ने माना। अब मजबूरी में, क्योंकि फेस सेविंग कैसे करेंगे, तो 5 महीने के लिए अगर आप स्वास्थ्य मंत्री बना रहे हैं, अच्छा है धन सिंह रावत जी 5 महीने में राज्य की तमाम PHC, CHC, जिला अस्पताल अगर विजिट भी कर लें तो मैं समझता हूँ गरिमत होगी, लेकिन अच्छा काम किया पुष्कर सिंह धामी को, इसके लिए तो कम से कम मैं साधुवाद देना चाहूँगा। कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए दूसरों की कुर्सी भारी भरकम कर दी, कहीं ना कहीं जो मंत्रियों का कोप भवन में जाना था वो सफल हुआ, उनकी जो दबाव की राजनीति थी वो भी सफल हुई, जिसको जो लॉलीपॉप विभाग चाहिए थे वो उनको मिल गए मलाई खाने के लिए। PWD 1 को मिल गया, स्वास्थ्य दूसरे को मिल गया, आबकारी तीसरे को मिल गया, ऊर्जा चौथे को मिल गया। यही तो इन लोगों की चाल थी, यही तो ये लोग करना चाहते थे। और हमारी आशंका सही निकली कि युवा मुख्यमंत्री आप कह रहे हैं, लेकिन ये मुख्यमंत्री अनुभवहीन है, इसलिए मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं दबाव में आएंगे, इन्फ्लुएंस में आएंगे और सारे इनके नैतिक अनैतिक कार्यों को, फाइलों को पूरा करेंगे। वहीं बीजेपी का कहना है कि पुष्कर सिंह धामी प्रदेश के लिए लगातार बड़े फैसले ले रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता शादाब शम्स ने कहा कि प्रदेश में पिछले 4 सालों में भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर काम हुए हैं और नया मंत्रिमंडल भी तेजी के साथ काम करेगा। देखिए अभी 7 महीने बाकी हैं, मैंने कहा कि 3-4 महीने बहुत तेज काम करने की आवश्यकता। और कौन कह रहा है कि काम देखा नहीं गया? माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के नेतृत्व में हमने कीर्तिमान स्थापित किए, स्वास्थ्य महकमा 3 गुना से भी ज़्यादा 4 गुना से भी ज़्यादा काम हमारे स्वास्थ्य महकमे ने किया। जो डॉक्टर्स की स्थिति थी पहाड़ में, डॉक्टर्स चढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया। आप देखेंगे गौर से तो पहाड़ में एम्बुलेंस 108 डस्टबिन कर दी थी कांग्रेस की सरकार में, वापस 108 दौड़ती हुई दिखाई दी। 55-60 साल में जब कांग्रेस ने कुछ किया ही नहीं उत्तराखंड के स्वास्थ्य महकमे के लिए, तो कहाँ से खड़ा हो जाता? 10 साल उत्तराखंड में कुछ किया हो तो बता दीजिए। जो किया गया है, नया किया गया है, कुछ भी पुरानी चीज को रिपीट नहीं किया। और कई कई क्षेत्रों में 10 गुना से अधिक काम माननीय पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के नेतृत्व में किया गया, और उसी तरह से उन चीजों को और तेजी से अब पुष्कर सिंह धामी जी आगे बढ़ाएंगे। प्रदेश में एक तरफ बीजेपी की सरकार ने मंत्रियों के विभाग बांट दिए हैं, इसमें नाराजगी को दूर करने की कोशिश भी की गई है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस विभागों के बंटवारे के मामले पर तंज कसती हुई भी नजर आ रही है। हालांकि 2022 चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस अब पूरी तरह से चुनावी मैदान में उतरने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना यह है कि बचे हुए दिनों में किस तरह से सरकार कामकाज करती है और किस तरह से विपक्ष सरकार को घेरने का काम करता है। संवाद 365 के लिए रेणु उप्रेती की रिपोर्ट।